लोग इतना पसंद करते हैं, इट्स बीन लव्ड बाय सो मेनी पीपल एंड एवरीवन प्लेज बैडमिंटन एंड आई थिंक जितने भी एकेडमीज बैडमिंटन के हो वो कम है एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आज यहाँ पे दोस्ती जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे अपनी एकेडमी ओपन होने वाली है एंड आई जस्ट वांट टू सी के काफ़ी और बैडमिंटन प्लेयर्स आए हमारी कंट्री से और वो कैसे पॉसिबल होगा, वो सोसाइटी से पॉसिबल होगा, देन ऑफकोर्स द प्रोफेशनल लेवल. तो अगर इतने जैसे ये खुल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे जो प्लेयर्स यहाँ से निकल के आएंगे एंड दे विल बी फ्यूचर चैम्पियंस. सो इट्स सो नाइस टू सी दैट आई एम हियर टुडे गोइंग टू ओपन सच अ बिग एकेडमी एंड आई रियली वांट टू सी कि यहाँ पे भी और प्रोफेशनल एथलीट्स आए जो साइना जैसे, सिंधु जैसे, प्रणॉय जैसे बनना चाहे. एंड इन द फ्यूचर वी विल ऑल हैव देम प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल. तो और क्या खुशी होगी मुझे. तो इट्स I'm really happy to be here today and I hope ke aur bhi aise complexes khule future mein. Sir, aapke mann mein kaise idea hai ki multiple sports facility aapko aapke is dosti rehti mein open kare aur jo aapke customers hai unke home hai, unke ghar hai, unhe uska lab hai, kaise aapne to make hai. So ये एक्चुअली ये ख्याल हम बरसों से एज अ कंपनी फिलोसफी मेंटेन करते रहे हैं. हमारे सबसे ओल्ड प्रोजेक्ट्स जो है इन वडाला एंड साइन, दोस्ती एक कजन दोस्ती फ्लेमिंगो 2003 और 5 के बीच में, उधर भी वी डिलीवर्ड द फर्स्ट क्लब हाउस अक्रॉस मुंबई एंड वी वर वेरी हैप्पी टू बी प्राउड ऑफ अवर सेल्फ दैट वी वन मेनी अवार्ड्स हमारे क्लब्स के लिए. एंड हर एक क्लब में वी बिलीव के स्टेट ऑफ द आर्ट लाइफ स्टाइल एम्यूनिटीज देने चाहिए ताकि कस्टमर्स कैन थरली एन्जॉय देम. एंड दोस्ती का स्ट्रेंथ है कि हम एवरी टाइम कंपनी की लैंड खरीदती है फॉर डेवलपमेंट, तो कस्टमर के लिए एक बड़ा सा लेआउट बन सके कि नॉट जस्ट उनके घर में तो जो भी संस्था हो वो होनी चाहिए, लेकिन वन डजेंट नीड टू गो आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू एन्जॉय अ स्विम और बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड सो ऑन. सो इन टूडेज हसल बसल ऑफ मुंबई लाइफ स्टाइल पीपल डोंट हैव टाइम. टाइम बींग अ वेरी वैल्यूबल एसेट फॉर ऑल ऑफ अस, वी एंडेवर के हमारे हर एक प्रोजेक्ट में वी ट्राई टू गिव वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज इन द प्रोजेक्ट ताकि कस्टमर कैन ईजिली एन्जॉय इट जिस फुटस्टेप्स अवे फ्रॉम हिज हाउस. करेक्ट करेक्ट, वी वुड डेफिनेटली लाइक दैट all of our customers, even our staff members at Dosti lead a healthy and wellness oriented lifestyle. So uske liye we believe ke in all of our projects we would like to deliver top class sporting infrastructure, and even creating sporting infrastructure encourages openness amongst the community. The kids get to enjoy with the grandparents, kabhi the parents have a small social outing in the amphitheater or while playing a game of badminton. Not necessarily everybody wants to play it professionally, but when one gets into a sport, the dedication, determination, grit jisse hum khel khelte hai usse hamare kaam mein bhi improvements hota hai. So we encourage a healthy work life balance for our we try to provide whatever max we can taki our customers can also enjoy something very nice. Also chakshi aap se sawal hai ki kis tarah ki challenges face kiye kyunki sports जी चैलेंजेस तो बहुत सारी थी, पर यू नो देयर वाज वन थिंग, वी हैड अ वेरी गुड गोल एंड अ विजन टू लाइफ एंड वी हैड अ वेरी मेन गोल वाज टू प्रोवाइड कस्टमर्स द अल्टीमेट होलिस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिटी लिविंग. चैलेंजेस
मेनली हमारी थोड़ी टाइम ड्यूरेशन की थी, दूसरी कि यू नो एवरीबडी नोज दोस्ती वेस्ट काउंटी इज 100+ एकर टाउनशिप, सो बिल्डिंग अ क्लब बिफोर टाइम बिफोर गिविंग द रेसिडेंट्स इट्स पोजेशन did take a lot from our end with our engineers and all our consultants. Another thing, there was a lot of concrete and you know cement wasted material used, and in order to just fraction it at a very good pace, we had to really play well on our logistics. Our entire project planning logistics for the clubhouse had to be speed up. And another thing was that despite having the club ready at this point, the entire township is not ready. So while having this fancy club put out here and still having a lot of like pollution and dust control procedures put in around, that has been slightly challenging from our end, because eventually the customer's duty and responsibility is completely in the promoter's end of dosti. So sometimes, you know, these safety measures were a very big challenge, and they till date are. But you know, at the same time, a couple other things that have played out well is that customers, we may be one of the only few developers who are giving customers their amenities and clubhouses before giving possession of a flat also. So that also is a very big booster, because eventually everybody, the main thing everybody wants is timely possession delivery of in their house and all their surroundings. Thoughts about the opening schools of the cities and cities. What do you think can help building your health with the construction you complete hai wahan pe cheeze honi chahiye jo house lete hai usko kitna fayda hoga sabse ye first of all to unhone sahi bola ki time bahut kam hai इंडिया में जो देखते हैं आप, काफ़ी हमारे पास इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं, काफ़ी बिजनेसमैन हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन्स कम हैं, और हमें चाहिए कि ऐसे ही अगर सोसाइटी में इतने प्रोफेशनल लेवल पे कुछ बन रहा है, दैट्स व्हेन यू विल सी के कुछ अच्छे प्लेयर्स आए वहाँ से. अदरवाइज़ काफ़ी जगहों पर आई हैव सीन पर्सनली, मेरे कम्युनिटी में भी है जो चल रहा है, मतलब इट्स ओके, एवरीवन कैन गो एंड प्ले, बट इट्स नॉट लाइक दैट प्रोफेशनल लेवल. अभी आपने देखा बैडमिंटन प्रोज को लेके आए हैं, वो इट्स नॉट ईजी टू गेट समवन दैट हाई लेवल इमीडिएटली. अगर एक आप कम्युनिटी खोल रहे हो तो वहाँ पे बच्चे को क्या पता होगा, पहले रैकेट पकड़ना है या क्या, उसका फ्यूचर क्या है उसने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द किड. सो उन्होंने हमारे साथ बैडमिंटन प्रोज के साथ हम ज्वाइन किया है ताकि वो बेस्ट कोचेज ला सके और बच्चे को स्टार्ट ही ऐसा कर सके कि उसकी थिंकिंग हो कि मैं बेस्ट प्लेयर वर्ल्ड में बन सकूँ. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थाट, एंड आई एम श्योर कि इन्होंने स्टार्ट किया है एंड काफ़ी अदर कम्युनिटी इनको देखेगी, सीखेगी इनसे, तो हमारे पास पूरे इंडिया में आई एम श्योर स्लोली ऐसा कल्चर बन जाएगा कि अपने घर से ही स्टार्ट होना चाहिए जो नॉलेज है किसी भी चीज़ का. एंड लेटर ऑन यू विल सी कि जैसे मुझे भी नहीं मालूम था कि एक दिन मैं बैडमिंटन प्लेयर बन जाऊँगी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिडंट हैव एनीवन लाइक यू नो. अभी हम आप देख सकते हैं इतने सारे प्लेयर्स टॉप 50 में हैं बैडमिंटन में, बट वो टाइम पर तो हम फर्स्ट राउंड भी नहीं जीते थे. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम्स थाट कि इसको कुछ बनाना है एट द हाइस्ट लेवल, and today I am here because of one person's belief at that point of time. So वहाँ पर तो community में क्या cement court पर खेलते थे, knee तुड़वा लोगे आप, अपने ankle तुड़वा लोगे, but आज इतने professional level पर आपके पास wooden court है, इतने highly मतलब आपने किस जगह से, मतलब Malaysia से मंगवाया होगा या जो भी best है जहाँ से wood जो मिलता है, ताकि वो soft रहे, हमारे knees पर soft रहे और player और लंबा खेल सके. तो वैसा वो time पर thought नहीं था, अभी बढ़ रहा है क्योंकि sport is growing. Everyone wants to play, as I said, सब खेलना चाहते हैं बैडमिंटन. It's just that हमारे पास उतने कोर्ट्स नहीं थे, बट अभी डेवलप हो रहा है और बेटर हो रहा है. साउथ में तो आई थिंक बैडमिंटन डोमिनेट कर रहा है लाइक एनी थिंग, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ कोर्ट, बट मुंबई में चाहिए और नॉर्थ में चाहिए ताकि हम और भी आगे बढ़ सकें. एंड आई थिंक दिस इज़ द स्टार्ट, ऐसे ही स्टार्ट होता है एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट. सो आई वुड लाइक टू थैंक दोस्ती ग्रुप फॉर थिंकिंग सो वेल अबाउट दी अपकमिंग मतलब जनरेशन एंड दी प्लेयर्स, एंड आई एम श्योर यहाँ से भी कोई बड़ा चैंपियन बन गया, व्हाट एल्स वी नीड. क्या सो फर्स्टली आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम मूव दैट यू नो ऐसे बड़े ग्रुप्स आर इन्वेस्टिंग इन टू स्पोर्ट. यू नो लाइक व्हेन वी हैव ग्रोन अप इट वाज सो डिफिकल्ट टू रीच अ प्लेस देन स्टार्ट प्लेइंग बैडमिंटन और एनी अदर स्पोर्ट. सो आई थिंक फर्स्टली फॉर एनी रेसिडेंट यार यू नो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नॉट जस्ट बैडमिंटन, मतलब काफ़ी हैं, जिम है, हेल्थ फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स हैं. सो आई थिंक इट्स दैट एक्सपोजर इज़ वेरी गुड यू नो. एंड the advantage of having an academy like us is we are in the process of creating champions. Of course not everybody has to become a champion,
बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट प्लेइंग. लेकिन वो एक प्रोसेस होते हैं, चैंपियन के साथ बन सकते हैं. सो दैट वी हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस आवरसेल्व्स एज प्लेयर्स. एंड वी ऑल्सो रन कोचिंग अकेडमीज अक्रॉस द कंट्री. एंड विद साइनाज मेंटरशिप एंड सपोर्ट, यू नो, वी वॉन्ट टू एंश्योर दैट एनी चाइल्ड हू वॉन्ट्स टू बिकम अ चैम्पियन, वॉन्ट्स टू टेक स्पोर्ट सीरियसली, वी विल प्रोवाइड दैट पाथवे, यू नो, फॉर देम. And the tie-up with Dosti Group, of course, you know, the vision, I mean, Mumbai mein land, of course, everyone knows is so premium and land available nahi, and, you know, the Dosti Group is investing into sports, into, I mean, they could have built maybe more facilities, right? But, so I think that's a very welcome move when, you know, such big groups are thinking about sport, and that just encourages academies like us that we are going in the right direction. Akhit sir, what's your take on this campaign of Samina Malaya? By the way, I'm Nitin Nagpal, Director of Sales Marketing. So I just want to say one thing, that, you know, Dosti West County is a large planned township. And ye thought tab aaya ki jab itne sare log yahan rahenge, then obviously we have to give them more than what we have promised to them. And badminton court, sare other amenities, sare log, sare other complex mein enjoy kar sakte hain. But we thought we want to give something different, something more professional. And that's the reason why we have Saina with us only. Saina, Olympics is now the corner. मतलब जो आई एम श्योर मेरा तो इस बार इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ माई आर्थराइटिस एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट. और जो मैंने 25 ईयर्स अपने गेम को दिया, आई लुक बैक एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी विद व्हाट ऑल आई हैव अचीव. बट नाउ द टीम विच इज़ गोइंग, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम. दे हैव वर्क रियली हार्ड एंड डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दिस टाइम टू गेट अ गोल्ड एज वेल. अपना सात्विक चिराग रियली स्ट्रांग एंड वी हैव प्रणॉय, वी हैव सिंधु. So I would like to congratulate all of them and I look forward to the Olympics. I want to see not only badminton but all the other sports. Of course, Neeraj Chopra is one more strong contender for getting a gold medal. So let's see how it goes and Just recently India won World Cup in 2020. Are you? Obviously. Yeah. Cricket is everywhere anyways. So unko to hum bhool nahi sakte hain. Big congratulations to them for winning the World Cup and कल मैंने देखा उनका सेलिब्रेशन भी काफ़ी अच्छा किया गया. आई होप दूसरे स्पोर्ट्स को भी ऐसे एंकरेजमेंट मिले. देन आई थिंक वी आर नो लेस बिकॉज इन टॉप 50 एज आई सेड वी आर ऑलमोस्ट 10-15 प्लेयर्स एंड बैडमिंटन इज द सेकेंड मोस्ट लव्ड स्पोर्ट आफ्टर क्रिकेट. एंड आई जस्ट होप के इन फ्यूचर हमें भी वैसा वेलकम मिला तो आप लोग ही बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में और चैम्पियंस को देखते हैं. मैं दोस्ती ग्रुप को यही मतलब बोलना चाहूँगी कि जो आपने स्टेप लिया है, इट्स अ वेरी बिग स्टेप बिकॉज टू प्रमोट स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट यू हैव डन इज़ रियली रियली बिग. बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स वांट टू प्ले बैडमिंटन. मुझे इंस्टा पे इतने मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, दीदी अकेडमीज नहीं मिल रहे हैं, हमें खेलना है. बट नाउ व्हेन दे हैव सच बिग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हियर इन दी सोसाइटी इटसेल्फ, आई एम श्योर यहाँ पे तो काफ़ी हद तक लड़के लड़कियाँ खेल पाएंगे बैडमिंटन. एंड आई होप इन द फ्यूचर जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, आई वुड लाइक टू सी इट हैपनिंग इन लॉट मोर सोसाइटीज़ एंड लॉट मोर अकेडमीज़, ताकि ईजी हो प्लेयर को, स्ट्रगल ना हो. एंड दे लाइक हाउ आई ट्रैवल 25 किलोमीटर्स अप एंड डाउन टू गेट अ प्रॉपर फैसिलिटी, आई डोंट वॉन्ट पीपल टू फेस दैट. जब इतना पॉपुलर हो गया है कोई स्पोर्ट तो आई थिंक घर घर में मिलना चाहिए सब फैसिलिटी. इट शुड बी मच मोर ईजियर. We are going in the right direction and hopefully in the next 10-15 years or easy ho jayega. So big congratulations to Dosti Group and I'm sure badminton pros will do their level best to get the best coaches. And I'm here to motivate a lot of youngsters and tell them kaise champion banna hai. And I'm there with the youngsters. That's all I can say. Thank you.